गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास थ्री। सब्जेक्ट इज इंग्लिश, चैप्टर टू, जिसका नाम है द टॉय हॉर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना यह चैप्टर। स्क्रीन पे जो लड़की दिख रही है इसका नाम है रमी। रमी बहुत ही प्यारी सी लड़की है जो अपने माता पिता के साथ साथ में सड़क के किनारे एक कार्ट में रहती है। उसकी कार्ट जो है मेटल की बनी हुई है, उसके ऊपर बहुत सी प्यारी प्यारी ड्राइंग की हुई है। गर्मी, बरसात, ठंड, हर समय, हर सीजन में वह सड़क किनारे इसी कार्ट में रहती है अपने माता पिता के साथ। उसके पिता बहुत ही लंबे इंसान है, एक पगड़ी बांधते हैं और उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। उसकी माता जो है बहुत ही चौड़ी सी एक घाघरा पहनती है, छोटे छोटे सिल्वर कलर की ज्वेलरी पहनती है। रमी भी एक छोटे सी घाघरा पहनती है अपने माता के जैसे। उसके पिताजी लोहे के छोटे छोटे हथियार बनाते, जैसे हथौड़ा, टांगी और बेचते हैं। उसकी माता खिलौने के घोड़े बनाती हैं, कपड़े से, बहुत कलरफुल कपड़े से मिलाकर उसमें छोटे छोटे मिरर्स लगा के, जो देखने में बहुत आकर्षक होते हैं। जब बन के तैयार हो जाते तो उसे सड़क किनारे वो बेचती है। आने जाने वाले लोग उसे खरीदते हैं अपने घरों में सजाने के लिए या फिर अपने बच्चों को देने के लिए वो खरीद के ले जाते हैं। रमी को भी घोड़े बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत ही ब्राइट होते हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, उनके कान बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। उसे देख के वह बहुत खुश होती है, वो बहुत देर तक उनके साथ खेलना चाहती है। लेकिन उसकी माँ ऐसा नहीं करने देती है, उसे नहीं छूने देती है, क्योंकि वो बोलती हैं कि ये घोड़े तुम्हारे खेलने के लिए नहीं है। अगर तुम इससे खेलोगी तो ये गंदे होंगे, अगर ये गंदे होंगे तो फिर ये मैं बेच नहीं पाऊँगी, अगर ये नहीं बिकेंगे तो घर में पैसा नहीं आएगा, घर में पैसा नहीं आएगा तो फिर हम लोग कैसे चावल, दाल, सब्जी, आटा ये सब खरीदेंगे। रमी को बहुत दुख होता है, रमी के पास कोई खिलौना नहीं है। रमी चाहती है उन घोड़ों के साथ खेलना। एक दिन उसकी माँ बोलती है कि क्यों नहीं तुम अपने लिए एक छोटा सा प्यारा सा घोड़ा बनाती हो। ठीक रमी वैसा ही करती है, वह एक कपड़े का छोटा सा प्यारा सा घोड़ा बनाती है जिसके जो पैर हैं टर्न हो सकते थे, उसकी जो गर्दन है बहुत ही लचीली है, उसका जो फेस है बहुत ही देखने में फनी और प्यारा है। रमी ने इसे खुद से बनाया था, इसलिए वह इसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, उसके साथ उसका लगाव बहुत ज़्यादा है। वह उसके साथ दिन भर खेलती थी, वह रोड के किनारे उसे खड़ा करके उसको ऐसा इमेजिन होता था कि वह उस पर बैठी हुई है और घोड़ा दौड़ रहा है, दूसरे घोड़ों के साथ रेसिंग रेस कर रहा है। वह अपने माँ के बनाए द्वारा घोड़ों के सामने उसे रखती है और कहती है अपने घोड़े से कि मिलो अपने बड़े भाई से, उसे अच्छा लगता है ऐसा करने में। उसी समय एक औरत आती है जो बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी हुई रहती है, उसकी महक जो है जैस्मिन फ्लावर की तरह होती है। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची होती है जिसके हाथ में एक छोटा सा डॉल होता है। रमी उस डॉल को घूरती रहती है, उसे वो डॉल बहुत पसंद आता है क्योंकि उसके बहुत ही सुनहले बाल होते हैं, आँखें सुंदर होती है जो हमेशा खुल रही है और बंद हो रही है, और उसके जो ड्रेस पहनी हुई है डॉल ने वो बहुत ही अच्छा है और मुलायम है, उसके छोटे छोटे जूते भी हैं। वो छोटी सी बच्ची बोलती है कि मुझे एक घोड़ा चाहिए। उसकी माँ बोलती है कि ज़रूर। वह रमी की माँ से पूछती है कि ये घोड़े कितने का है। रमी की माँ कहती है कि ये घोड़े का दाम 10 रुपया है। छोटी बच्ची बोलती है कि मुझे एक घोड़ा देने के लिए। रमी की माँ कहती है कि आप इसमें से कोई भी एक घोड़ा उठा सकती हैं। लेकिन लड़की कहती कि नहीं, मुझे वही घोड़ा चाहिए जो रमी के हाथ में, छोटा सा प्यारा सा घोड़ा चाहिए। रमी की माँ कहती है कि यह घोड़ा सेल के लिए नहीं है, इसके बनावट उतनी अच्छी नहीं है, इसके कपड़े बाहर निकले हुए हैं, ऐसा कहकर वो मना करती है। लेकिन वह लड़की कहती है कि नहीं, मुझे वही पसंद है, मुझे वही घोड़ा चाहिए। उसकी माँ बोलती है कि तुम दूसरा क्यों नहीं ले लेती, ये बहुत ही अजीब सा दिख रहा है, दूसरा को ले लो। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मुझे यही घोड़ा चाहिए, मुझे इसकी फेस पसंद है, ऐसा कह के उसकी माँ से
वो औरत बोलती है कि आप भले एक्स्ट्रा कुछ पैसा ले लीजिए लेकिन वही घूरा देने के लिए, कहती है उसकी माँ। रमी की माँ कहती है कि ठीक है। ऐसा कह के वह रमी से बोलती है कि तुम एक दूसरा घोड़ा बना सकती हो या फिर मेरे में मेरे पास जो घोड़े उनमें से एक ले सकती हो। ऐसा कह के वह रमी के यहाँ से घोड़ा ले लेती है और उस बच्ची को दे देती है। रमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वह उस घोड़े से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। वह सोचती है मन में कि आखिर इस लड़की के पास इतनी प्यारी सी डॉल है फिर भी इसे मेरा ही घोड़ा क्यों चाहिए, या फिर ये दूसरे घोड़े को क्यों नहीं पसंद कर रही है। फिर भी वो पूछना चाहती है लेकिन चुप रहती है। वो पूछ नहीं पाती, अपने आंसू को पोंछती है और पीछे घूम जाती है। तभी उसी समय अचानक उसके हाथ में कुछ टच होता है। वह देखती है नीचे की तरफ तो उसके हाथ में वो प्यारा सा डॉल रहता है। सामने से वह लड़की बोलती है कि मेरा तुम डॉल ले लो लेकिन रो मत, मुझे तुम्हारा यह घोड़ा बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इसलिए मैं ले रही हूँ। ऐसा कह के वह चुप कराती है। रमी बोलती है कि मैं ऐसा दोबारा एक घोड़ा बना लूँगी, और यह कह के चुप हो जाती है। स्माइल करते हुए दोनों खुश हो जाते हैं।